न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सिटी पुलिस की निष्क्रियता के चलते रेवाड़ी में इन दिनों वेश्यावृत्ति का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। आखिरकार एसपी राजेश दुग्गल के आदेश पर ही सही पुलिस की कुंभकर्णी नींद टूटी और सीआईए व सिटी पुलिस की टीम ने शहर के मोहल्ला बंजारवाड़ा में जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली दो महिलाओं को काबू कर लिया। कार्रवाई फर्जी ग्राहक तैयार कर की गई। रंगे हाथों पकड़ी गई आरोपी महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल एसपी राजेश दुग्गल को सूचना मिली थी कि बंजारवाड़ा के एक मकान में देह व्यापार चल रहा है। एसपी ने तुरंत कार्रवाई के लिए सीआईए को आदेश दिया। सीआईए इंचार्ज ने अपनी टीम के साथ एक फर्जी ग्राहक तैयार किया और ग्राहक के जरिए महिला द्वारा मांगी गई मुंहबोली कीमत 1,000 रुपए थमाए गए। उसके बाद कमरे में एंट्री करते वक्त मकान के बाहर घेराबंदी कर बैठी सीआईए टीम ने रेड मार दी। धंधे में एक मकान मालिक व एक महिला भी शामिल बताई गई है। आरोप है कि मकान मालकिन बाहर से लड़कियां और महिलाएं बुलाकर जिस्म फरोशी कराती थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए अजय सागर अत्री के साथ संजय कौशिक की रिपोर्ट। कई और भी जगह की जा रही है तो आज तक क्या उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या नहीं की जाती है? जो नोटिस में आ रही है हमें शिकायत आ रही है इस प्रकार आगे नहीं करते रहे। अवैध तो काम कह रहे हाँ, अवैध जो भी हमें